वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में और मैं हूं ज्योति। दोस्तों, आज वेस्पा एक्सल की जो फ्यूल टैंक रिमूव कैसे करें बॉडी से, उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आपने ये खोल लेनी है, इसकी ट्रे होती है बैटरी की, वो खोल लो। एक सोकर का बोल्ट है और दो बोल्ट यहाँ पर फ्यूल टैंक के में जो उंगली लगी हुई, एक यहाँ पर एक नीचे यहाँ पर, ये बोल्ट मैंने ऑलरेडी पहले खुले हुए हैं, दो बोल्ट ये खोल लेंगे। क्योंकि हमने फ्यूल टैंक, दोस्तों फ्यूल टैंक को रीओपन में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने इसमें फ्यूल पंप इसका चेंज करना है। उसके बाद ये टेल लाइट ग्लास और दोनों ब्लिंकर और सोकर, ये सोकर देखो, ये ऊपर रबड़ के माउंट रबड़ लगी हुई है, ये हटा लेना है। फ्यूल टैंक नीचे निकलेगा इसका, ये खोलो टेल लाइट ग्लास। तो इंडिकेटर खोल लेना है दोनों साइड के, तो ये इंडिकेटर हम बाहर नहीं निकालेंगे तब तक हमारा जो फ्यूल टैंक है वो क्योंकि नीचे ही साइड में निकलेगा, इसको बाहर निकाल लेना। अब ये बोल्ट खुलेगा, एक बार ये बड़ा बोल्ट, अभी ये इसको ये कैप खोल लेनी है। उसके बाद हमने ये बोल्ट खोल लेने हैं फ्रेम का, क्योंकि हमने उसके बाद फ्रेम ये फ्रेम को बाहर निकालना है। ये बोल्ट खोलेंगे, यहाँ से बोल्ट खोलेंगे और साथ में जो नीचे वाली प्लास्टिक का पैनल है ये उतारना है। उसके लिए ये ऊपर स्क्रू है, यहाँ पे मेरी उंगली के एक यहाँ स्क्रू, ये यहाँ पर उंगली का स्क्रू, ये पैनल ऐसे उठाओगे तो यहाँ से नक्का होता हुआ निकल आएगा। उसके बाद ये स्क्रू यहाँ पे लेफ्ट हैंड के ही आएगा, ये फ्रेम बाहर मतलब फ्रेम निकाल के, ये नीचे प्लास्टिक का जो पैनल है, ये छोटा पतला पैनल है वो मैं निकाल के दिखाऊँगा, ये निकाल लेता हूँ। और ये बोल्ट तो अपने फ्रेम खोलने के लिए करना ही है, ठीक है। ये खोल के साथ में अपना नीचे वाला रियर फेंडर, ये रियर फेंडर को उतार लेना है, तभी हमारा जो फ्यूल टैंक है वो नीचे आएगा। तो मैं उतार के तब दिखाता हूँ आप लोगों को। ओके, ये पूरे फ्रेम उतारने पड़ेंगे उनके फ्यूल टैंक निकालने रिमूव करने के लिए। तो दोस्तों, हमने आखिरकार फ्यूल टैंक को बाहर निकाल दिया है, ये देखो फ्यूल टैंक। अब मैं इसको प्रॉपर ये मैंने क्लैंप लगे हुए हैं, ये क्लैंपिंग अच्छी तरह करके हुई है, तो मैं इसको बाहर निकाल रहा। एक्चुअली मैंने इसको फ्यूल पंप को ही बाहर निकालना है, इसलिए मैं यहीं पर रख के, क्योंकि इसके कनेक्शन भी पाइप हो रखे हैं, तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं निकाल रहा क्योंकि मैंने अपना जो काम करना है वो फ्यूल पंप का काम करना है। तो हम इसको बिल्कुल बाहर नहीं निकाल रहे क्योंकि हमारा काम यहीं नीचे से हो जाएगा फ्रेंड्स। तो मेन बोल्ट जो है इसके तीन ही बोल्ट है, फिर एक बोल्ट यहाँ पे है, एक बोल्ट यहाँ पे है और दो आगे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, जो मेन दो बोल्ट यहाँ पे और ये सीट पे, तीन बोल्ट है।